वो नहीं आते मेरे फ्रेंड्स, आई माधव का मैच माधव, चलिए मैच की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने भी लोग अभी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जा करके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को वन बाई वन करके देखते हुए तब यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ मॉडरेट लेवल से और डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पर आइए, अदरवाइज ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए आपके एनसीईआरटी से ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर भी है, और मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मूर्तियां जो होती है ना, मूर्तियों के नीचे एक बेस बनाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर मूर्तियां खड़ी होती हैं, ठीक, तो उसी को पेडेस्टल बोल रहे हैं। फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, सॉरी उसके फिगर को ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है। हमने क्या कर दिया ना, एक पेडेस्टल यहां पे बनाता हूं ना, यहां पे देख लेना, यहां पे हमने एक पेडेस्टल बनाया, ठीक है। पेडेस्टल मान लो ये है, पेडेस्टल के ऊपर हमने एक स्टैचू बना दिया, सीधी लाइन एकदम, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है ये, और ये हमारा स्टैचू है और ये 1.6 मीटर टॉल है। इसके कुछ नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये ए बी हमारा क्या है, स्टैचू है, ए बी हमारा क्या है, स्टैचू है, और ये बी सी जो है, बी से लेकर सी तक का जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेडेस्टल है, ये क्या है हमारा पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक है, और ये क्या है हमारा, दिस इज स्टैचू, ये हमारा स्टैचू है, क्लियर है ये। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप ऑफ द स्टैचू कितने डिग्री का है, बहुत लंबा चला गया, तो छोटा से बनाते हैं ना क्योंकि सॉल्व भी करना है आगे, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है हमेशा ग्राउंड पर बनेगा, बनाते हैं हम लोग, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। तो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, ये पेडेस्टल का टॉप है, समझ बात आ रही है आप लोग को, देखिए ये आपके पेडेस्टल का टॉप है और ये जो था ये आपके स्टैचू का टॉप था, तो स्टैचू के टॉप से मतलब इस मूर्ति के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो टोटल 60 डिग्री बन रहा है, और जब इस पेडेस्टल के टॉप से जब हम एंगल बना रहे हैं सेम पॉइंट पर, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना सेम पॉइंट पर, तो पॉइंट सेम है, हमने यहां से भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस एंगल का बड़े वाले एंगल को हम 60 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है, और ये जो छोटा सा एक एंगल यहां पे बना हुआ है, दिस इज 45 डिग्री, क्लियर, दिस इज 45 डिग्री, इतनी बात समझ आ रही है आपको। ये बड़ा एंगल जो है पूरा का पूरा, आप एंगल में कंफ्यूज मत होना, फिर से देख लो ध्यान से, मैं यहां पे इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो पूरा बड़ा एंगल है यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये 60 डिग्री है, ठीक है, जो हमारे स्टैचू के टॉप से बन रहा है और हमारे पेडेस्टल से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो ये छोटा एंगल है, ये वाला एंगल वो 45 डिग्री है, इतनी बात क्लियर, ए बी सी इसका नाम कुछ दे देते हैं डी, इतनी बात क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में अब आगे क्या कर रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है आपसे, इसकी हाइट बताओ कितनी होगी। तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चंस भले मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आपको सोचने का तरीका जनरेट आपके अंदर होना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कोई जरूरी नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कुछ आपके वैल्यूज बदल सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है, अलग तरीके से क्वेश्चन दे दें, लेकिन आपका जो लेवल हो क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन होंगे,
तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आइए, इसमें सोचना कैसे, जरा थोड़ी मेरे तरीके से सोचना। देखो, हमें ये साइड निकालना है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले हम उन साइड्स को खोजते हैं कि हमें किस साइड की जरूरत है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें इस साइड की वैल्यूज दे रखी है। ये स्टैचू है ऊपर का, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। हमें ये स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर है, और ये पेडेस्टल की हाइट हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि इस साइड की तो जरूरत है ही हमें, इस पूरे साइड की जरूरत है हमें। और दूसरा, हम इस साइड को लें या ना लें। अब देखो जरा, इस साइड का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये सीडी साइड जो दिख रहा है, मैंने बताया जब भी कहीं पर साइड कॉमन दिखे ना, कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि ये जो सीडी साइड है, इस बड़े ट्रायंगल में भी ये सीडी साइड है और छोटे ट्रायंगल में भी यही सीडी साइड है। इसका मतलब कि ये कॉमन आ रहा दोनों ट्रायंगल में, तो इसका यूज हो सकता है, दो साइड हमें लेना है। लेकिन ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस, ये किसी का कॉमन नहीं, सब अलग अलग है। तो इसका मतलब कि हम इस साइड को और इस साइड को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या सोचना आपको? सेकेंड चीज आपको ये सोचना है कि आपको ये साइड तो गिवन नहीं है, गिवन तो है नहीं, यहां पर भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है। बड़े ट्रायंगल को भी लोगे तब भी बड़े ट्रायंगल का पूरा साइड नहीं गिवन है, तो हम क्या करें? ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स, जब भी दो ट्रायंगल हैं क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, मैंने बार बार कहा एक बड़ा ट्रायंगल होगा, ये बड़ा ट्रायंगल ए सी डी, एक छोटा ट्रायंगल बी सी डी, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों तो इतना जान लो कि हमें दोनों के दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। पहले दोनों ट्रायंगल की वैल्यू निकालो। हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर बड़े ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो हम पहले छोटे ट्रायंगल को लेते हैं। आप कहोगे सर यहाँ कुछ तो गिवन ही नहीं है। नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं, जैसा भी कुछ आएगा एज इट इज वैसे लिखकर छोड़ देंगे, उसका काम बड़े ट्रायंगल में आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, वहां पर इसकी वैल्यू गिवन थी बीसी की, ठीक है, ये निकालना था आपको ऊपर की वैल्यू, ठीक। अगर ये बीसी की वैल्यू गिवन होती तो बड़े आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में अगर एक साइड मिल जाता हमें तो हम ये साइड निकाल लेते। आप सबको पता है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बड़े ट्रायंगल को भी अगर हम यहां पर ले रहे हैं तो बड़े ट्रायंगल में भी कोई एक साइड पूरा नहीं गिवन है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन हमें घुमा रहा है। तो इस क्वेश्चन को घुमाओगे आप लोग, कैसे घुमाओगे? हम छोटे ट्रायंगल को लेते हैं पहले, उसके बाद बड़े ट्रायंगल को लेंगे। आप बड़े को भी ले सकते हो बाद में छोटे को, लेकिन कोशिश इसमें ऐसा रहे कि छोटे ट्रायंगल को हम पहले उठाएं, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये पता चल गया छोटे ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री है, ये साइड है और ये साइड लेना है हमें। आपको पता है थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, और इधर जो साइड है नीचे की तरफ वो कौन सा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का साइड होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से भी हमें कोई भी मतलब नहीं है। इन दोनों साइड को लेकर हम चलते हैं, तो जरा देखते हैं क्या होता है। आपको वैल्यू पता है पी और बी का रेशियो किस में आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको पता है ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, और ये जो रेशियो है वो हमारे टैन का रेशियो है। इसका मतलब यहां पर हम टैन की वैल्यू को लगाएंगे, किसकी वैल्यू को? टैन थीटा की वैल्यू को। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या चीज, टैन टैन 45 डिग्री, या तो सीधे ऐसे लिखो, पहले शुरू से ही से लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी लिख दिया हमने। एकदम बेसिक से चीजें बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखते चलना एकदम। टेन थीटा इक्वल टू, अब आपको पता चल गया टेन हमने क्यों रखा, क्यों? क्योंकि यहां थीटा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, इधर बेस है। आप बेस अपॉन पी भी लेते, बी अपॉन पी भी रख सकते थे, तो यहां पे कॉट थीटा लिखना पड़ता, लेकिन टेन लेके चलो क्या दिक्कत है, आप कॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री का है? अभी हम छोटे ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, ये छोटे ट्रायंगल को, छोटे ट्रायंगल में थीटा 45 डिग्री है, तो हम यहां लिखेंगे टेन 45 डिग्री, ये हो गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या लिखें, इसका जो नाम है ना बीसी, इसी को हम लिख लें। कुछ लोग एक्स मान के लिख लेते हैं, आपको जैसा भी सुटेबल हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे इसको बीसी मान लें कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसका नाम है बीसी, हमने बीसी लिख दिया इसको।
अब है नीचे बेस, डिवाइड बाय बेस। बेस यहां पे, यहां भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहां ये सीडी लिखा हुआ लाइन ना, तो इसको हम क्या मान लें, सीडी। नाउ 1045 की वैल्यू आप सबको पता होगी, 1045 वन होती है, अगर वैल्यू नहीं याद है तो वैल्यू को याद कर लीजिए, इज इक्वल टू वन, और इसको हम एज इट इज लिख दे बीसी अपॉन सीडी। सीडी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, सीडी इज इक्वल टू बीसी। एक चीज तो आपको पता चल गया, वैल्यू भले ही ना पता चली हो, लेकिन एक चीज पता चल गया कि ये जो सीडी साइड है ना, सीडी इसकी जो लंबाई है, इस बीसी के लंबाई के क्या है, बराबर है। अब इसी का यूज हम लोग बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करते टाइम करेंगे, क्लियर। आइए अब बड़े ट्रायंगल को लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा यहां पे, जैसे मानो एग्जाम में लिखते हो तो लिख लिया करो इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, ठीक है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी सी डी, हमने यहां पर बी सी डी ट्रायंगल लिया था। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल लो, बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखना इस बड़े ट्रायंगल को जब ध्यान से देखो, एकदम किसी चीज को जब ध्यान से देखते हो ना, बार बार देखो, कई बार देखो, तो कुछ नई चीज जरूर आपके दिमाग में आएगी। एबीसी आपको फिर पता चल गया, 45 डिग्री का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमारा काम इस बड़े ट्रायंगल से है जिसका एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ बोर्ड पे मिटाने में आराम हो जाता है, लेकिन कॉपी पे आप मिटा नहीं पाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को, डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखो। उसी में 45 भी दिख रहा है, उसी में 60 भी दिख रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है 60 डिग्री ए बी ए सी डी का ट्रायंगल है, और 45 जो था वो बी सी डी का ट्रायंगल था, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो थीटा के सामने जो साइड है, थीटा के सामने कौन है, अब ये पूरा साइड थीटा के सामने है, दिस इज परपेंडिकुलर। 90 के सामने ये हाइपोटेनस होता, हाइपोटेनस का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, ना ही कहीं कॉमन दिख रहा है, और ये साइड हमारा क्या है, बेस, जो कॉमन था किससे, इस वाले छोटे ट्रायंगल से कॉमन था ना ये 45 से, ठीक है। ये 45 है, मैंने मिटा दिया ताकि आपको क्लियर दिखे कि 60 डिग्री है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही फॉर्मूला, कहाँ पर पी और बी है, किस रेशियो में पी एंड बी है, फिर से टेन थीटा, फिर से हमारी वैल्यू आ गई tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब की बार थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, पिछली बार थीटा की वैल्यू 45 थी, अब की बार बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो थीटा क्या हो गया, tan 60 डिग्री हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अभी हम क्या लिख लें, AC लिख लें, क्योंकि पूरी लाइन है, तो हमने लिख दिया दिस इज AC अपॉन, और जो बेस है हमारा वो CD है। इतनी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए, इतनी चीजें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 3 होती है, यह आपको तो पता होना चाहिए। AC, अब जरा AC को देखो, ध्यान से देखो, ठंड नहीं लगेगी, ध्यान से देखो AC को, ठीक है। AC दो पार्ट में डिवाइड है, यहां पर AB है, यहां पर BC है, दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं AC को AB प्लस BC, लिख सकते हो ना, AB और BC को जोड़ोगे आपस में, BC और AB को, AB और BC को जोड़ोगे तो ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वाली लाइन का नाम क्या है, AC। तो हम इसी AC को दो पार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट में कैसे, AB प्लस, AB प्लस BC, समझ आ रही बात, डिवाइड बाई हमारा बेस जो था CD, यहां पर हमने CD लिख दिया। अब क्या किया जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर AB की वैल्यू गिवेन है, कितनी है, 1.6 है, तो हमने यहां पे लिखा रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस। अब देखो जरा BC और CD को हम क्या करें, यहां पे दो चीजें गायब हो रही, BC और CD, अगर मैं x y भी मान लेना, मान लो कि हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान के चलें, तो आपको पता है कि अगर दो वैल्यू मिसिंग है तो इसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। आपने पढ़ा था ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पर x y होता था, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो एक ही बन के चल रहा है, और एक इक्वेशन कभी भी दो मिसिंग वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से इन दोनों को एक करना होगा, या तो BC CD बन जाए या CD BC बन जाए, कैसे होगा ये, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर आपने अभी अपने प्रूफ किया कि CD BC के इक्वल है, ये CD जो है वो BC के इक्वल है।
अगर सी डी बी सी का इक्वल है तो बी सी की जगह हम सी डी भी लिख सकते हैं और सी डी की जगह हम बी सी भी लिख सकते हैं। ये क्लियर रखना एकदम, दोनों की वैल्यू सेम है तभी तो इक्वल है ना। अगर सी डी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं तो बी सी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे चीजों को हम एक चीज को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें, सी डी को चेंज करें या बी सी को चेंज करें? ध्यान से देखो, सी डी को चेंज करें या बी सी को चेंज करें, किसी एक को चेंज करना है तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम, कोई भी एक वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें इसकी हाइट पूछ रहा है वो। इसकी हाइट तो पूछ नहीं रहा है हमसे कुछ, इसकी लंबाई तो पूछ नहीं रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। अगर बी सी को ही हम क्या करें, चेंज कर दें, बी सी ऐसे रहने दो, हमें बी सी चाहिए ना, बी सी को चेंज नहीं कर सकते, बी सी ही चाहिए हमें। ठीक है, बी सी डिवाइड बाई सी डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो सी डी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे बी सी लिख दिया, बी सी तो बी सी ही रह गया, लेकिन सी डी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि सी डी बी सी का इक्वल है। क्यों चेंज किया हमने, ताकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। आपको पता है ना कि एक्स और वाई दो दो रहेंगे तो गड़बड़ होगा मामला, लेकिन अगर दोनों एक्स एक्स हैं तब अच्छा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। मैं अगर बोलूं आपसे बी सी प्लस बी सी कितने बी सी, अगर मैं बोलूं आपसे बी सी प्लस बी सी कितने बी सी, तो बोलोगे 2 बी सी है यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ऐसे लिख देता मैं कि बी सी प्लस सी डी लिखा था ना, बी सी प्लस सी डी ऐड करो, तो ये ऐड नहीं होगा। आपने पढ़ा लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स, वही मामला यहां पर फंसेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को लाइक टर्म में कर लिया, एक जैसा कर लिया, ताकि इसको कहीं ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो वो काम हो पाए यहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब हम यहां से क्या करें, इस बी सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री। अब देखिए बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, अब रूट थ्री बी सी, इसी बी सी की वैल्यू को निकालना है, हमारा आंसर मिल जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 1.6 प्लस बी सी बचा। बी सी और बी सी सेम वेरिएबल को, सेम चीज को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बी सी माइनस बी सी। जब बी सी इधर आएगा माइनस बी सी हो जाएगा। अब कुछ लोग इससे इसे माइनस कर दोगे, तो ऐसे मत गलती करना, यहां पर रूट थ्री बी सी, यहां पर माइनस बी सी है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, इज इक्वल टू 1.6। अब देखिए यहां पर ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। इन दोनों टर्म्स से हम बी सी को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बी सी की वैल्यू चाहिए। बी सी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, केवल रूट थ्री बचा, और इधर क्या बचा, माइनस वन। बी सी कॉमन आ गया तो कौन बचेगा, केवल वन बचेगा, क्योंकि बी सी कॉमन ले लिया हमने, बी सी आ गया बाहर की तरफ, कोई नहीं बचा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना कि इसको भी हमने बी सी से डिवाइड कर दिया, इसको भी बी सी से डिवाइड कर दिया, इसको जब बी सी से डिवाइड करोगे केवल रूट थ्री बचेगा, इसको बी सी से डिवाइड कर दो बी सी बी सी कैंसिल, वन बच जाएगा, ऐसे कॉमन लिया जाता है। क्लियर, अब देखो इधर क्या बचा, 1.6। बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू 1.6, और ये पूरी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन इसको डिवाइड करेगा। आपका आंसर आ चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू होती है उसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो इस वैल्यू को, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, कैसे करते हैं, 1.6 डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस वन लिखा हुआ है। जब इस दो टर्म होता है और रेशनलाइज करना होता है तो इसी टर्म का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर साइन है बीच में तो उस साइन को चेंज कर देते हैं। माइनस होगा तो ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई, और नीचे भी रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस माइनस लगा देते हैं हम लोग। क्लियर, अब देखो जरा इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो हमने इसको भी ऐसे ही लिख दिया, 1.6 का मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, रूट थ्री प्लस वन में करेंगे, अगर आगे जरूरत पड़े तो करेंगे। रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा है ना, क्या लिखते थे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखते थे ना, सेम वही फॉर्मूला। ध्यान से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, कैसे भी लिख दो, यहां पे भी माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां माइनस लिख दो, इधर प्लस कर लो, फॉर्मूला वही बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, यही तो है। ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है,
3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, क्यों? रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है, रूट 9 को क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे 3 लिख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 माइनस 1, अब डायरेक्टली लिख सकते हो ना 1.6 अंडर रूट रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इस 2 से 1.6 को जब कट करोगे ना तो ये 0.8 आ जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, पॉइंट लगा हुआ है तो 8 से पहले पॉइंट लगा दो। अगर नहीं काटने आता डेसिमल की वैल्यू को तो समझो 1.6 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, 1.6 डिवाइड बाई 2 है, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को जब हटाओगे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, जब 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ऊपर ये 16 हो जाएगा और नीचे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको कट करोगे, ठीक है, जब इसको कट करोगे तो क्या होगा, 2 10 जा 20, 2 8 जा, आंसर आया 8 डिवाइड बाई 10। फिर इसको कट करोगे 2 4 जा 2 5 जा 4/5, और 4/5 को जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 डेसिमल में। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आपका आंसर जो है 0.8 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो इस पेडेस्टल की हाइट है। पूरा डिटेल्स मैंने चीजों को बता दिया, वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समय की कोई बाध्यता नहीं है हमें, मैं क्वेश्चन को किसी टाइम में बांध नहीं सकता हूं कि मैं बांध के ही चलूंगा कि इतने ही मिनट में मुझे ख़त्म करना है। मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, जितना भी टाइम चला जाए लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।